नमस्कार, मेरा नाम नीतीश उपाध्याय है और आप अभी लाइव देख रहे हैं। आपके सामने दो विजुअल्स हैं, एक दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक की, दूसरी बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकता की बैठक की। ये महज दो तस्वीर नहीं है, ये 2024 लोकसभा चुनाव का क्लियर पिक्चर है, यानी 2024 का मुकाबला एनडीए वर्सेज इंडिया के बीच होना है। हाल ही में दोनों मोर्चे ने ज़्यादा से ज़्यादा छोटे दलों को एकजुट करना शुरू किया है, अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। एनडीए की बैठक में बीजेपी सहित 39 पार्टियां शामिल हुई, इंडिया की बैठक में टोटल 26 पार्टियां शामिल हुई। वजह साफ है, एनडीए जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है तो महागठबंधन केंद्र की मोदी सरकार को हटाना चाहती है, अधिक पार्टियों को साथ लेकर एनडीए खुद के स्वरूप को बड़ा करना चाहती है, तो वहीं इंडिया का लक्ष्य विपक्ष को एकजुट करना है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि दोनों मोर्चे छोटे छोटे दलों को साधने की कवायद क्यों कर रहे हैं? क्या छोटे दलों को सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के लिए जुटाया जा रहा है? वास्तव में इसकी चुनाव में कोई जरूरत है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बैठक में शामिल हुए अनेक दलों के पास एक भी सांसद नहीं है। बात एनडीए की करें तो बैठक में बीजेपी के अलावे 38 पार्टियां शामिल हुई, लेकिन इसमें 9 ऐसी पार्टियां हैं जिसने 2019 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा है। 16 ऐसी पार्टियां हैं जिसने चुनाव तो लड़ा पर जीत नहीं पाई। उनके खाते में लोकसभा की 0 सीटें हैं, यानी 39 में से 25 ऐसी पार्टियां हैं जिसके 0 लोकसभा सांसद हैं। बात इंडिया की करें तो इसमें टोटल 26 पार्टियां बैठक में शामिल हुई, 26 में से 11 ऐसी पार्टियां हैं जिसके 0 लोकसभा सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में छोटे दलों को साथ लेना एनडीए और इंडिया के लिए क्यों जरूरी है? इसका बड़ा कारण छोटे दलों का सॉलिड वोट बैंक है। छोटी पार्टियां खुद के दम पर भले ही चुनाव जीतने का मादा ना रखती हो, लेकिन इनका क्षेत्रीय प्रभाव बड़ा होता है। कारण, छोटी पार्टियों का राजनीतिक आधार ही क्षेत्र और जाति होती है। ऐसे में आप देखेंगे कि तमाम छोटी पार्टियां अपने क्षेत्र में या अपनी जाति में मजबूत जनाधार रखती है। यूपी और बिहार को मिलाकर 120 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में छोटी पार्टियों को साथ लेकर लड़ना किसी भी गठबंधन के लिए फायदे का सौदा है। इसका दूसरा फायदा लोकसभा चुनाव के पहले सभी जाति धर्म के वोटरों को एक बड़ा संदेश देना भी है। छोटी पार्टियों को साथ रखने का फायदा लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी होना है। इस साल विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। ऐसे में छोटी पार्टी या यूं कहें कि क्षेत्रीय पार्टी का महत्व काफी बड़ा हो जाता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की हर अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।